हिंसा का डर युवाओं को सताने लग रहा है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने हजारों की संख्या में बेरोजगार यहां पर एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव है, उनसे हम बात करेंगे किन मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उपेन भाई, आज किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया? देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो जो लंबित प्रक्रियाधीन जो भर्तियां हैं उसका कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी कर सकता है। अलग अलग भर्तियों के लोग पूछे हैं, वीडियो भर्ती की वेटिंग सूची की मांग करें, वही अध्यापक भर्ती लेवल वन के तमाम पदों पर लेवल वन लेवल टू पर सूची जारी करने की मांग करें, जो पशुधन सहायक भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए तो उसमें सूची जारी करने की मांग करें, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग करें, जो स्पोर्ट्स के जो अभ्यर्थी है उनकी सूची जारी करने की मांग करें, जूनियर अकाउंटेंट के 15 गुणा परिणाम की जारी करने की मांग करें, वनरक्षक के फाइनल परिणाम जारी करने की मांग करें, तो वनरक्षक का अंतिम परिणाम और जूनियर अकाउंटेंट का 15 गुणा का परिणाम, तमाम मांगों को लेकर एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर बड़ी संख्या में हमने घेराव किया, प्रदर्शन कर रहे हैं कि आचार संहिता लग गई होगी लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड इन भर्तियों की मांगों को पूरा कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में हमने घेराव किया और प्रदर्शन कर रहे हैं कि तत्काल परिणाम जारी किया जाए। उपेन भाई, आचार संहिता लग गई, बेरोजगार आज भी यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किन की गलती की वजह से आज ऐसा हो रहा है? देखो, जो कर्मचारी चयन बोर्ड लापरवाही कर रहा है कि आप स्पोर्ट्स के अपने लोगों की तो सूची जारी कर रहे हैं और जो योग्य अभ्यर्थी वो भटक रहे हैं, या एक वीरांगना की शहीद एक वीरांगना यहाँ खड़ी है, शहीद की वीरांगना यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, स्पोर्ट्स के अभ्यर्थी न्याय के लिए आए हैं, या जो पशु धन सहायक भर्ती सुप्रीम कोर्ट से जीत के वो कह रहे हैं सूची जारी करें, वीडियो भर्ती का परिणाम देख रहे हैं, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2500 पदों पर जिसके अभ्यर्थी पूछगिछ की विज्ञप्ति जारी करने की मांग है, वन रक्षक है L1 वन और टू के परिणाम की मांग है, तमाम मांगों को लेकर पूछे और तत्काल परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। आप लगातार 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या आचार संहिता के बाद भी आपका संघर्ष जारी रहेगा? अब तो वोट की चोट होगी, ये हम सब लोग यहाँ आए जीत में अहम भूमिका युवाओं की होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी, तो बड़ी संख्या में उसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे जो सरकार की मांग करती है। ये हमारे साथ उपेन यादव थे और ये लगातार सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी और हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि वो किन मांगों को लेकर आए हैं। भैया, किस मांग को लेकर आप यहाँ प्रदर्शन करेंगे? हम रीट L1 के मूल पदों को भरने के लिए मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोविजनल के नाम पर बहुत पद खाली रख रखे हैं और हमारे प्रोविजनल के बाद भी कम से कम नॉन TSP के 1100-1200 पद बचे हुए हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी भरवाना चाहते हैं, जो भी अपात्र हैं उनकी जगह पर न्यू कैंडिडेटों को लिया जाए और रिजल्ट रिवाइज करके सारी मतलब जो भी मूल पद 21,000 वो भरे जाए। आपकी क्या? हम चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स पेंशन जो भी है फर्स्ट और लेवल सेकंड उत्कृष्ट खिलाड़ियों को वंचित करें, अभी तक उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, अभी बीकानेर निदेशालय से कागज है वो वेरीफाई हो चुके हैं, परंतु निदेशालय ने अभी तक कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करे। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने इनके साथ बहुत गलत किया है, जिसकी वजह से आज यहाँ ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी और हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, हमारी मांग है स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अपने चहेतों को ज्वाइनिंग दे दी 15-20 को, और हम बच्चे भटक रहे हैं यहाँ पर, सभी को ज्वाइनिंग दो, हमारा रिजल्ट जारी करो। हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके साथ प्राथमिकता से ज्वाइनिंग लें, हमको सबसे पिछड़ा समझ रहे हैं, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया हमारा। हम सब अभ्यर्थी वीडियो की वेटिंग लिस्ट वाले हैं, इनसे सर हमारा रिजल्ट आए हुए जो एक गुना का रिजल्ट है वो आए हुए 1.5 साल हो गया है वीडियो वेटिंग का, और अभी तक वेटिंग नहीं आई है हमारी, वीडियो का रिजल्ट वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, 1.5 साल हो गया अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो रही है, क्या पता कौन सा रिजल्ट बना रहे अभी तक, 1.5 साल से इधर उधर से चक्कर काट रहे हम, 25 बार आ गया हूँ मैं खुद यहाँ पे बोर्ड में आके 25 बार आ गया। अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, हम उसे उनकी समस्याओं को लेकर पूछेंगे। मैम, आप कहाँ से? हम UP से आए हैं, हमारा L2 में मतलब प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है पर हमारा फाइनल रिजल्ट निकाल के नहीं दिया है, और हमें कम से कम 6-7 बार चयन बोर्ड आ गए, कहते हैं आपका निकालेंगे पेंडिंग में, पर अभी तक हमें कोई संतोषजनक आंसर दिया ही नहीं है इन्होंने। मैम, आप कहाँ से आए? मैम, आपकी
मेरिट लेवल 1 से हूँ। सर हमारी यही मांग है कि हमारे स्पोर्ट पर्सन से हैं हम, है ना, जिनमें से आधों का सिलेक्शन हो रहा है आधों का नहीं हो रहा है। यहाँ बीकानेर जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ जाओ हमारे पास नहीं है, यहाँ आते हैं तो बोलते हैं बीकानेर जाओ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक साथ रिजल्ट जारी हो और हमें ये पता लगे कि क्या हो रहा है बीच में। हमें तो हमारे सीनियरिटी भी खो रहे हैं, हमारे सिलेक्शन होते हुए भी हम पीछे रह रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कराना है और जो वहाँ इधर उधर करा रहे हैं ना बीकानेर और जयपुर, तो हमें एक जगह से हमें डिसीजन दे क्या हो रहा है। लेवल दो के परिणाम को लेकर अध्यापक लेवल दो के रिसफल रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ। अपात्र स्टूडेंट है उनको बोर्ड कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते अपात्र स्टूडेंट के बारे में। बोर्ड का बार बार यही कहना है कि आप अपने स्तर पर अपात्र स्टूडेंट की जांच कराओ और उसको हम कहां तक उसका अपात्र स्टूडेंट की जांच कराते रहे। उन बोर्ड बोलता है कि बीओ को सूचना दो, कलेक्टर को ज्ञापन दो, अपात्र स्टूडेंट को बाहर कराने के लिए हम खुद अपने स्तर पर जांच कराएं। हम खुद अपने स्तर पर कब तक जांच कराते रहेंगे। आज पीएच में अपात्र स्टूडेंट लगे हैं और स्पोर्ट्समैन के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग लग रहे हैं, उन सबके बारे में अच्छे से जांच होनी चाहिए। बोर्ड को खुद को ये सारी नज़र में, बोर्ड की खुद की नज़र में उनकी तो एक क्लिक घुमाने की दिक्कत है। बाकी सारी चीज़ें अगर फर्जी स्टूडेंट हो उसकी लिस्ट निकल के जाएगी। उन पात्र स्टूडेंट की वजह से आज हमारा 0.001 से जो हमारे कट ऑफ से नीचे रहे, उन बोर्ड ऐसे बोलता है कि उसकी हर बार जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं एक महीने बाद जारी करेंगे। एक महीने बाद उनका एक महीना कब होगा हमारे को ये पता ही नहीं चल पा रहा। हम L2 या L1 वाले सभी विद्यार्थी एक साथ आए हैं, हमारा यही कहना है कि रिक्त पदों पे जो भी रिसफल रिजल्ट है डाउन कट ऑफ जारी हो और और ये जो भर्ती है उसका आचार संहिता पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़े। सारे जो भी पद हैं वो मूल पद भरे जाएंगे और उन जो भी कैंडिडेट हमें वीडियो की वेटिंग जारी करवाना चाहते हैं। वीडियो के 1000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, पिछले 6 माह से कोई वेटिंग नहीं निकली है। 1000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। क्यों जब हमारे पॉइंट 20 या पॉइंट 19 से हम पीछे रहते हैं तो क्या हमें नौकरी लेने का अधिकार नहीं है? जो खाली पद पड़े वो किस लिए? यहाँ की गवर्नमेंट और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी नींद में क्यों सो रहे हैं? क्यों बेरोजगार ऐसे ही घूमते रहे? 2021 से वीडियो का एग्जाम हो रहा है, आज तक 3 साल होने के बाद 2.5 साल अभी तक बोर्ड क्यों नहीं हुई? हमारी एक ही मांग है कि वीडियो की वेटिंग लिस्ट आज तुरंत जारी करवाओ। देखिए अभ्यर्थी वीडियो भर्ती से जुड़े हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी और हमारे साथ पशुधन सहायक भर्ती से जुड़े हैं। पशुधन सहायक रिजल्ट, पशुधन सहायक की भर्ती 2022 में निकली थी जो कि 4 जून 2021 को उसका एग्जाम हुआ था और टीएसपी नॉन टीएसपी का रिजल्ट अक्टूबर 2022 में जारी कर दिया गया था, जबकि टीएसपी भर्ती का टीएसपी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है कि आपका परिणाम कोर्ट के माध्यम कोर्ट के कारण नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे पशुधन सहायक का भर्ती का रिजल्ट आए हुए 6 महीने हो गए, तो हमारा सूरतगढ़ क्वेश्चन सही था जिसकी हमने हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में फैसला आ गया था, हमारे पक्ष में आया था। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की, वहाँ भी उनकी खारिज हो गई। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट रिवाइज किया जाए, 1.5 साल से अटकी हुई है ये भर्ती। आप किस पशुधन सहायक की है? 1.5 साल से, पिछली 1.5 साल से भर्ती कोर्ट में अटकी हुई है, अभी तक नहीं माना। अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए तब माना है कि सूरतगढ़ ही होगा। अब रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करें। कर्मचारी चयन बोर्ड से पहले आपकी बात हुई है क्या? क्या सचिव से बात हुई थी जिन्होंने बताया था कि आप सुप्रीम कोर्ट से जीत गया, जो हम आपका परिणाम रिवाइज कर देंगे वहाँ से जीतने के बाद में। हाँ, मैं हमारे पशुधन सहायक रिजल्ट के लिए आए हुए, जो हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। टीएसपी एरिया में भी आधे को एसटीएससी का रिजल्ट जारी करके उनको नियुक्ति दे दी गई है और जनरल ओबीसी का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। हमारा जो केस वगैरह जो भी क्वेश्चन को लेके था वो भी मैम आपका, हमारे भी वही प्रॉब्लम है रिजल्ट की, वो रिजल्ट रुका हुआ है। मैं टीएसपी का जनरल का तो केस भी फाइनल हो गया और रिजल्ट जारी करवाए। देखिए महिला अभ्यर्थी लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से अपनी मांगों को मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सुनील कुमार, मेरे कैमरामैन साथी अश्विन के साथ द नगरी जयपुर।